अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास सेवन्थ का इंग्लिश का चैप्टर आपका कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है, हम देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पढ़ रहे थे तानसेन। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है तानसेन द म्यूजिकल जीनियस, आर्ट एंड म्यूजिक थीम है इसकी। ठीक है, इसका हम फोर्थ पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो रेवा के जो वो हैं शासक हैं, उन्हें उनका गाना बहुत पसंद आया था। एंड दिस वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन राइज टू फेम। ये उनका पहला स्टेप था जब तानसेन का जो उदय हुआ प्रसिद्धि की तरफ, मीन्स वो प्रसिद्धि की तरफ बढ़े। किंग रामचंद्र एडमायर तानसेन सिंगिंग एंड लैविस्ड मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन हिम। वंस ही गेव हिम अ 1000 गोल्ड कॉइन। एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जो है उन्होंने उसकी जो सिंगिंग है तानसेन की, गाना है, उसे बहुत मतलब अच्छा लगा, उसकी प्रशंसा की और क्या दिया उन्हें, ठाट से बहुत सारे एक्सपेंसिव मीन्स महंगे महंगे गिफ्ट दिए। और वंस ही गेव हिम अ 1000 गोल्ड कॉइन्स, एक बार तो उन्होंने उसे गोल्ड कॉइन्स मीन्स 1000 सोने के सिक्के दिए, 1000 सोने की मुद्राएं दी। ठीक है, देन वन डे एम्प्रेस अकबर वेंट टू द विजिट ऑफ रेवा। एक बार जो अकबर हैं, ठीक है, वो आए रेवा के मतलब वहाँ पे विजिट करने के लिए। किंग रामचंद्र अरेंज्ड फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट। तानसेन को अरेंज किया गया, मीन्स तानसेन को बुलाया गया उनके स्वागत के लिए या उनको उनका मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, जो वो है रामचंद्र है, ठीक है, उन्होंने तानसेन को बुलाया। ठीक है, किसको मनोरंजन करने के लिए, अकबर का मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि वो आए हुए थे, ठीक है, उनके राज्य में। द एम्परर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन म्यूजिक। जो एम्परर है, जो शासक है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उसके संगीत से तानसेन के। सून आफ्टर हिज रिटर्न, मतलब जल्दी ही पहुँच कर सेंट अ मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट। और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, मैसेज भिजवाया वापस पहुंच के कि उन्हें दरबार में आने के लिए तानसेन को। किंग रामचंद्र डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद तानसेन, वो उसके हिस्से नहीं करना चाहते थे, बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू डिसप्लीज द पावरफुल अकबर। लेकिन वो भी नहीं सहन कर पाते कि मतलब वो उसको उसकी डिसरेस्पेक्ट करें, क्योंकि अकबर जो है भाई पूरे देश का था और वो एक छोटे से राज्य के शासक थे। तो इसीलिए जब उन्होंने अकबर ने बुलाया तो उन्हें भेजना पड़ा, ना चाहते हुए भी भेजना पड़ा। आफ्टर ऑल, सबके बाद अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि अकबर जो है वो शासक थे पूरे भारत के। एंड रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ स्मॉल स्टेट इन अकबर एम्पायर, और जो रामचंद्र हैं वो उनके एक छोटे से एम्पायर के क्या थे, एक शासक थे छोटे से राज्य के। ठीक है, सो रिलक्टेंटली क्या होता है, अनिच्छा से, मीन्स उसे बिना मन के, किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर एस्कॉर्टेड बाय हिज ऑन मैन। ठीक है, और वो रामचंद्र जो है वो भेजे गए तानसेन को रॉयल गिफ्ट के रूप में। ठीक है, एक दरबार से उनके दूसरे दरबार में, एस्कॉर्टेड बाय हिज ऑन मैन। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। तानसेन का बहुत ही रॉयल मीन्स होता है ना, बहुत ही बड़े लेवल पे, जैसे कि राजा महाराजाओं का स्वागत होता है, ऐसे ही शाही अंदाज में उनका स्वागत किया गया। कहाँ पे, कैपिटल सिटी ऑफ आगरा, आगरा में मतलब राजधानी में उनका बहुत ही स्वागत किया गया शाही तरीके से। अकबर वो सो इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक, अकबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, खुश थे तानसेन के म्यूजिक से, दैट ही बेस्टोर्ड ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। ठीक है, तानसेन वॉज इंक्लूडेड अमंग हिज नवरत्नास 9 ज्वेल्स द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। उनके जो शाही दरबार में नवरत्न क्या होते थे, 9 रत्न, जो कि 9 ज्वेल्स, 9 तरह की रत्न, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट थे। आउटस्टैंडिंग टैलेंट मीन्स बहुत ही
बड़ी प्रतिभा जिसे कहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त जिसमें प्रतिभा थी, वो लोग कहलाते थे जो कि नवरत्नों के नाम से जाने जाते थे अकबर के दरबार में। बिसाइड परफॉर्मिंग इन हिज कोर्ट, तानसेन वुड ऑफन सिंग अलोंग फॉर द एम्परर। एट नाइट ही सेंग राग दैट वुड सूथ द हेल्प अकबर फॉल एस्लेप, एंड इन द मॉर्निंग तानसेन सैंग स्पेशली रागास दैट वुड जेंटली अवेकन द एम्परर। और उनके दरबार में वो क्या गाया करते थे, परफॉर्म किया करते थे, रात में तो वो उन्हें क्या सुनाया करते थे, राग गाया करते थे वो वाली जो कि उन्हें मतलब सुला सके, अच्छी नींद ला सके, और सुबह उनके लिए वो राग गाया करते थे ताकि वो अच्छे से उठ सकें। There are many stories told about the power of तानसेन music. बहुत सारी stories हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि तानसेन की जो power है, शक्ति है, उसको दिखाती हैं, उसकी music की शक्ति को दिखाती हैं। It is said that when तानसेन sang, ये कहा जाता है कि जब तानसेन जो है वो गाना start करते थे तो जो birds हैं, पक्षी हैं, animals हैं, जानवर हैं, वो would gather to hear him. वो एक साथ मतलब इकट्ठे हो जाया करते थे उनको, उनके music को सुनने के लिए। तानसेन सैंग एंड टॉट म्यूजिक इन एम्परर अकबर कोर्ट फॉर मैनी ईयर्स। उन्होंने बहुत सालों तक उन्होंने उनके दरबार में, अकबर के दरबार में गाना गाया, ठीक है, और सिखाया। ही वॉज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन बट ऑल्सो अ पोइट। वो ना केवल एक संगीतज्ञ थे, मतलब संगीत गाते थे, बल्कि एक कवि भी थे। ही रोट द वर्ड्स फॉर हिज म्यूजिक एंड कंपोज्ड मैनी न्यू रागास, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे शब्द लिखे और म्यूजिक जो है, म्यूजिक के लिए शब्द लिखे, एंड कंपोज्ड मैनी राग, न्यू राग, और बहुत सारे राग जो है उनका निर्माण भी किया। व्हेन तानसेन डाइड, जब तानसेन एक्सपायर हुए, मरे, तब एम्परर अकबर वॉज एट हिज बेड साइड, मतलब उनके सिर मतलब बेड पे थे, ठीक है, बेड साइड पे थे, उनके बगल में थे बेड के। एंड द एम्परर वॉज फील्ड विद ग्रेट सौरव, जो शासक है वो बहुत ही दुख से भरे हुए थे, उन्हें बहुत दुख था। ही न्यू दैट इंडिया हैड लॉस्ट हर ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। इंडिया ने खो दिया है, भारत ने खो दिया है अपना एक बहुत महान संगीतज्ञ एंड सिंगर और गायक। बट तानसेन्स म्यूजिक हैज लिव्ड ऑन एंड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम गुरु टू डिसिपल, ठीक है, शिष्य से गुरु तक ये जो है तानसेन का म्यूजिक है वो चलता रहा है। एवरी ईयर एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर नियर तानसेन टॉम, तानसेन के जो स्तंभ है वहाँ पर अ म्यूजिक फेस्टिवल इज हैड, म्यूजिक का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो किया जाता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड म्यूजिशियन कम हेयर फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, और जो म्यूजिशियन है, जो संगीत के जानकार हैं, वो आते हैं भारत में और परफॉर्म करने के लिए, एंड प्ले होमेज टू तानसेन, और तानसेन को श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है, प्ले होमेज। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड तानसेन्स बर्थ, हाउ वॉज तानसेन म्यूजिकल जीनियस डिस्कवर्ड एंड बाय होम, How and when did तानसेन meet his wife? तानसेन जो है अपनी वाइफ से कैसे मिले? Describe the incident of their marriage. क्योंकि जब वो वहाँ जाया करते थे तो वो उनसे मिले और उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, ये है। How did Emperor अकबर came to know about तानसेन and what did he do about it? है, ये आपको पता ही है कि तानसेन जो है ये है Emperor से कैसे मिले, ठीक है, उन्होंने उसे कैसे, उन्हें कैसे जाना, और फिर अब जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसे बुलावा भेजा था, ठीक है। हाउ डिड एम्परर अकबर शो हिज लव एंड अप्रिशिएशन टुवर्ड्स तानसेन, ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।